अब जो है कविता से प्रश्न जो है किस प्रकार है, उसको आप कैसे करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। इन प्रश्नों का उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे। जैसे यहाँ प्रश्न नंबर एक दिया है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। इस कविता में शाम को जो है किसके रूप में दिखाया, किसान के रूप में दिखाया गया। यह एक रूपक है, यह क्या है, एक रूप अंतर्गत वर्णन किया गया। जैसे जो है क्या कहेंगे, यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है, और इसे बनाने के लिए एक रूपता दिखा करके इनके जैसा 5 जो है जोड़ी बनाई गई, उन्हें उपमा कहते हैं। उपमा दे दे करके क्या किया गया है, यहाँ उनकी जोड़ी बनाई गई है। पहले एक रूपता आकाश साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा कहा गया है। पहली जो एक रूपता है, आकाश जो है साफे के रूप में है यहाँ पर। इसी तरह तीसरी एक रूपता में नदी चादर में दिखाई गई है, और तीसरी जो है नदी जो है चादर के रूप में दिखाई गई है, मानो नदी चादर हो। आप दूसरी जो है और चौथी एक रूपता और पांचवी को किस प्रकार खोज कर लिखेंगे, उसी के बारे में पहला आपका क्वेश्चन है। तो आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, पहले जैसे पहला कौन सा है, आकाश और साफा हो गया, तो दूसरा होगा पलाश के जंगल की अंगीठी, नदी चादर से तीसरा है, आपका चौथा है सूरज की चिलम, और पांचवा है भेड़ के गले सा अंधकार, यानी अंधेरा, भेड़ के गले सा अंधकार। इस प्रकार आप इनको जो है एक रूपता के रूप में लिखेंगे। ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा है शाम का दृश्य अपने, दूसरा क्वेश्चन क्या है, शाम का दृश्य अपने छत, घर की छत पर, छत या खिड़की से देखकर बताइए। शाम का दृश्य जो है कभी बैठ करके आप भी अपने छत पर जा करके देखिए, और उसके बारे में जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। जैसे आप जो अनुभव करेंगे अपने अनुसार तो आप लिखेंगे ही, बुक में दिया है शाम कब से शुरू हुई। जब आप शाम के छत पर जा कर देखेंगे तो पता लगेगा कि शाम जो है कब से शुरू हुई है, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और तब से लेकर के सूरज के डूबने में कितना समय लगा, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, ये सब चीज़ जो है कहाँ से आप जा करके देखते हैं, देख सकते हैं, अपने घर की छत पर जा करके देख सकते हैं, या बरामदे में बैठ करके इस दृश्य को देख करके उसके अनुसार जो है आप अनुभव कर सकते हैं। तो इसका आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे, अपने घर की छत या खिड़की से दृश्य को जो देखने से क्या पता चलता है, जाड़े में दिन छोटे होते हैं, वायुमंडल में कोहरा और जो है धुंधला जैसा कोहरा जो है छाने लगता है, सूर्य का प्रकाश उष्माहीन हो जाता है, यानी जो है उष्मा एक जो प्रकाश गर्मी जो होती है अंदर, एक गर्मी होती है उष्मा, गर्मी जो होती है वो क्या होता है, धीरे धीरे आपको उसमें दिखाई देगा कि कमी आ गई है, नमी आ गई है, होने के कारण शाम जल्दी अर्थात 4:15 बजे हो जाती है। शाम जाड़े की शाम जो है जल्दी होती है, 4:15 बजे तक शाम होने लगती है। तब से लेकर सूरज के डूबने में समय कितना लगता है, 1 से 1.25 घंटे का समय लगता है। 4:15 से सूरज जो है डूबना शुरू करते हैं, तो उस समय से लेकर के 1 से 1.25 घंटे का समय सूरज के डूबने में लगता है। इस समय आसमान में जो है निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, आसमान में सूर्य का प्रकाश जो है कमजोर पड़ने लगता है, आसमान में सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है, धुंधलापन छाने लगता है, आसमान में उड़ते पंक्षी जो है क्या करते हैं, चारों ओर जो अपने घोंसलों में, चारों ओर से अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं, पूरब की दिशा में प्रकाश जो है समाप्त हो जाता है, पूरब में सूर्य उगते हैं तो उधर से प्रकाश धीरे धीरे होते होते पश्चिम में आकर के अस्त होते हैं, उधर जो है प्रकाश कम होने लगता है और अंधेरा छाने लगता है। इस प्रकार आप इसका क्वेश्चन लिखेंगे, डूबते सूरज के आसपास का आसमान पर लालिमा जो है छा जाती है, और जो डूबते सूरज होते हैं उनके आसपास जो है लालिमा चारों तरफ दिखाई दे रहा है ना, चारों तरफ जो है आकाश कैसा हो जाता है, लाल लाल दिखाई देने लगता है, तथा पश्चिम दिशा में कुछ लाल रेखाएँ भी जो हैं आसमान में दिखाई देने लगती हैं, और कुछ रेखाएँ भी जो हैं वो हल्का लालिमा लिए हुए दिखाई देते हैं, ये जो परिवर्तन आकाश में होते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो, सुनते हो नीचे दिए गए पंक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी एक या दो शब्दों में बांधिए। कवि जो है मोर की आवाज़ को ऐसा यहाँ पर वर्णन किए हैं कि जैसे लग रहा है किसी ने आवाज़ दी हो सुनते हो करके,
तो और भी जो है यहाँ पर पक्षियों के नाम दिए हुए हैं, जैसे कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील, हंस। तो इनके जो है आप किस तरह से जो है इनके बारे में लिखेंगे, कबूतर खत ले लो, कौवा मेहमान आएंगे, मैना गाते हो, चील देखते हो, तोता पढ़ते हो, इस प्रकार जो है आप इनके क्वेश्चन लिखेंगे। अब इस पार्ट से आप एडिशनल क्वेश्चन किस प्रकार बनाएंगे, जैसे एडिशनल एक एक नंबर का क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो आराम से पूरे जो है कविता को पढ़िए और पढ़ करके थोड़ा सा आप अगर ध्यान से वो करेंगे तो पूरा क्वेश्चन आप बना लेंगे। जैसे इस कविता के लेखक कौन है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस कविता में जो है पहाड़ को किसके रूप में चित्रित किया गया है, पहाड़ को किसके रूप में चित्रित किया गया है, किसान के रूप में चित्रित किया गया है, नदी को जो है किस रूप में चित्रित किया गया है, चादर के रूप में किया गया है। और जो है आपका क्वेश्चन है चीलम, चीलम जो है चीलम को किस रूप में यहाँ पर उसका चीलम को किस रूप में वर्णन किया गया है, उसका आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। इस प्रकार जो है आप पूरा जो है एडिशनल क्वेश्चन एक एक नंबर का बना करके लिख सकते हैं। लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को लिखवा दूँगी, ठीक है। किस प्रकार बनाएंगे, जैसे दिया है आपको क्वेश्चन बना सकते हैं, शाम एक किसान, कविता के रचयिता कौन है, तो कौन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं, कौन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है, पहाड़ को किन रूपों में दर्शाया गया है, पहाड़ को किसान के रूप में दर्शाया गया है। चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है, चिलम के रूप में किसका चित्रण किया गया है, सूर्य का किया गया है, सूर्य का चित्रण किया गया है। पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई गई है, पहाड़ के चरणों में बहती नदी किस रूप में दिखाई गई है, यहाँ पर चादर के रूप में, चादर के रूप में। कौन सी अंगीठी दहक रही है, कौन सी अंगीठी दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है, पलाश के जंगल की अंगीठी दहक रही है। चिलम और आंधी होना किसका प्रतीक है, चिलम औंधी होना किसका प्रतीक है, जो है इस चिलम औंधी होना रात होने का प्रतीक है, किसका प्रतीक है, रात होने का प्रतीक है। और एक क्वेश्चन आप बना सकते हैं, सूरज डूबते ही क्या हुआ, सूरज डूबते ही चारों ओर अंधेरा हो गया, अंधकार हो गया, कौन किस रूप में बैठा है, ये भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं। जंगल में खिले पलाश के फूल कैसे प्रतीत हो रहे हैं, इस प्रकार छोटे छोटे जो है आप एडिशनल के क्वेश्चन बना करके लिख सकते हैं।